बुधवार का दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए दुख भरी खबर लाया है। भारतीय सिनेमा के महान एक्टर दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया है। वो बीते कई महीनों से बीमार थे। लंबे वक्त से बीमार होने की वजह से उन्हें महीने में कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया था। बीवी सायरा बानो उनकी पूरी देखभाल कर रही थी। दिलीप कुमार का निधन सुबह 7:30 बजे खार हिंदुजा हॉस्पिटल में हुआ है। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का निधन 98 साल की उम्र में हुआ है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने निधन की पुष्टि कर दी है। आप लगातार इलाज कर रहे थे, क्या ट्रीटमेंट क्या? देखिए, ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं, और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी, और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। ये खबर सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दिलीप कुमार बीते लंबे वक्त से बीमारी से जंग लड़ रहे थे और बुधवार सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। उनके ट्विटर हैंडल पर 5 जुलाई को ही उनके हेल्थ के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके 2 दिन बाद ही दिलीप कुमार हमेशा के लिए दूर चले गए। उनके खुद के हैंडल से भी इस निधन की जानकारी दी गई है। फैजल फारूकी ने लिखा है, भारी दिल और गहरे दुख के साथ मैं हमारे प्यारे दिलीप साहब के इंतकाल की सूचना दे रहा हूँ। हम भगवान के हैं और हमें वही वापस जाना है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 1922 को मोहम्मद यूसुफ के नाम से जन्मे एक्टर दिलीप कुमार भारत के महान एक्टर थे। दिलीप कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री को कई आइकॉनिक फिल्में भी दी हैं। उन्होंने ज्वार भाटा से डेब्यू किया था। उनकी हिट फिल्मों में क्रांति, शक्ति, मशाल, मुगले आजम, सौदागर जैसी फिल्में भी शामिल हैं।